हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो आज हम क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 मैथ पढ़ेंगे। मैथ में क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्याओं 6n 6th पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, पहले तो हम प्राकृतिक संख्या लेते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं जो जीरो से शुरू होता, मतलब एक से शुरू होता है और अनंत तक जाता है, ठीक। उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। उसके बाद क्या कह रहा है, संख्या 6n 6th पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब ये जो अंक है ये 0 पे समाप्त हो सकती है या नहीं, ठीक। तो ऐसे ही हम बता रहे हैं, मतलब सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो संख्या 2×5 का अभाज्य गुणनखंड होता है, जो संख्या 2×5 का अभाज्य गुणनखंड हो रहा उसका वह संख्या 0 पर समाप्त होती है। वह संख्या जो 2×5 का भाज्य गुणनखंड में हो तो वह संख्या 0 पर समाप्त होती है, ठीक। 2×5 का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड, तो हम जानते हैं अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं, और 2×5 के रूप में वही संख्या 0 और पर समाप्त हो रही। तो इसको देखते हैं, 6n क्या 2×5 गुणनखंड है, तो इसमें क्या लिख सकते हैं, 2×3, ये 2×5 गुणनखंड में नहीं ना, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, तो ये क्या हुआ, नहीं मिला। तो अब ये क्या समझते हैं, 6n एक अभाज्य, 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो हमारा प्रश्न नंबर 5 समाप्त हो जाए इसी पे।